आ गए हैं। बोले भाई रे। हाँ बाबा, कैसे दर्द मारे रे? आ जाओ आ जाओ, अब दुख को हर जाए। आ जाओ आ जाओ, चलो बाबा सीधे चल रहे हैं, हॉस्पिटल है ना। चलो राधे श्याम बाबा, दवा ले आया बाबा। मैं दवाई अम्मे खोलूं बाबा, जाम हो गया। दवाई क्या दवाई है? दवाई है बाबा, ये दवाई है सुबह शाम की है, एक अब ले लो है। और एक सुबह ले लियो। अच्छा दू? हाँ। अच्छा एक ही खेलिए, दर्द शांति हो जाएगा? हाँ आराम मिल जाएगा बाबा। अच्छा क्या गिर गया ना क्या? रुको ढक्कन लग रहा बाबा है? रुको मोह दे दो, छोड़ दो आप, छोड़ दो। पानी फिर पानी कैसे लोगे आप? पानी पानी कहाँ है बाबा? मैं कहाँ हुआ है लेगो? गिलास कहाँ है आपको? गिलास नहीं हो रही थी, पानी नल पे पी रही हो। नल पे? आप रुको, अभी लेके आ रहे हैं, एक मिनट रुको। एक मिनट आप रुको, राधा चरण बाबा मैं दल तो फेर दे। हाँ ले लियो, डब्बा ले लियो। पानी भर लो, धो गया है। अभी आराम मिल जाएगा, कल मैं हॉस्पिटल यानी कि संडे के भेजी थी और कल भी ना जा पाए है ना, कल वाली दवाई थे, आराम ना पड़ो। एक 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 सच्ची बात आई बोलता ना, ये और लो पानी, एक एक करके ले लो आप। थोड़ा फिरा लाइट जाए मुझे। हाँ हाँ लाइट जाए, पी लो बाबा पानी पी लो। हाँ फिर धोना पड़ेगा? हाँ नहीं धो देंगे, मैं धो दूँगा। अच्छा हाँ मैं धो दूँगा, मैं आप पानी पियो। यार धो के भर के रख दूँ यहाँ पे? हाँ हाँ। अभी आप सो जाओ, सुबह आऊँगा मैं आपके पास दोबारा। अच्छा फिर ठीक है, सुबह दोबारा आ रहा हूँ। जय जय श्री राधे प्रेमियों। प्रेमियों आज हम एक ऐसी उत्कंठा लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, मन में एक व्याकुलता है, एक दोहा आता है, प्रसंग आता है कि विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। चूँकि ये संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है तो हम सभी को यहाँ पे सुख भी भोगना है तो दुख भी भोगना है, क्योंकि दिन हो रहा है तो रात भी हो रही है, हम नींद लेते हैं जाग जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बीच ये जीवन चल रहा है और चलेगा भी ऐसे ही, क्योंकि यही विधि का विधान भी यही है, यही चीज़ें होनी है, समस्याएँ आनी है, सुख भी हमें ही भोगने हैं। तो हम यहाँ पे हमारे सूरदास बाबा निवास करते हैं, ब्रह्मानुकुंड है, देखिए यहीं पे सूरदास बाबा की कुटिया है। तो बाबा को एक समस्या आ गई है, बाबा यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ से थोड़ा सा निकल के वहाँ पे वाहनों का आना जाना लगा रहता है। तो सूरदास बाबा की तो दिनचर्या यही है कि वो भजन करते हैं तो थोड़ा अपने प्रसादम के लिए जाते हैं, वहाँ प्रसाद ग्रहण करके फिर वापस आते हैं, तो वो रोड क्रॉस करना पड़ता है। अब बाबा जब वहाँ जा रहे थे तो कोई वाहन से बाबा टकरा गए, बाबा नहीं वाहन टकरा गया, जो भी स्थिति बनी उसमें बाबा गिर पड़े और उनको यहाँ पर कूल्हे पे चोट आई है। तो अभी हम बाबा को लेके जाएंगे अस्पताल,
तो वहाँ पे हमें लग रहा है कि बाबा के शायद कोई समस्या आ गई है, यहाँ पे एक्सरे वगैरह कराएंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे कि आखिर क्या समस्या है। उनको समस्या रहती है चलने में, उठने बैठने में, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अस्पताल से दवा वगैरह कराएंगे बाबा की। अब समस्या ये है कि भक्तों, यदि हमारे एक क्षण भर के प्रयास से या फिर कुछ अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर यदि हम ऐसे जो साधु महात्मा तप कर रहे हैं, ये हमारी सृष्टि के लिए ही, हमारे उद्धार के लिए ही ये अपने जीवन को इसमें लगा देते हैं कि पूरा जीवन ये तप करते हैं, हमारे जो पाप हम करते हैं उनके उद्धार के लिए याचना क्षमा ये प्रभु से गुहार करते हैं हमारे लिए, तो उसमें से हमें इतना तो बनता है कि हम उनके लिए जो भी हमारे द्वारा बन पाए या फिर जो हम कर पाए उनके लिए प्रयास, कुछ सूक्ष्म प्रयास, जिससे कि उनकी ये साधना में कोई विघ्न ना आए, उन्हें दूर करने के लिए हमें ये अवश्य करना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक आपसे भी निवेदन है कि आप जहाँ हैं वहीं पे जो आपके दूर ना अपने और पास जो भी संत हैं, संत ही नहीं अपितु जो जीव जो निवास करते हैं, अगर किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप भी उन समस्याओं का समाधान में थोड़ा सा हस्तक्षेप अवश्य करें। क्योंकि यदि एक हमारे क्षण भर की नींद त्याग देने से, सुख त्याग देने से अगर किसी को एक पूरी रात चैन से या फिर पूरा जीवन, उसके जीवन में कोई सुधार आ रहा है, तो हमें ये प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो मैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं किसी, मैंने ना इतना मुझे कोई ज्ञान है ना इतनी समझ भी है मुझ में, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि यदि हमारे कुछ प्रयास से अगर किसी को सुख प्राप्त हो रहा है, जिससे कि वो उनकी भजन साधना में कोई विघ्न ना आए, समस्या दूर हो रही है, तो ये अवश्य कर लेना चाहिए। हम कोई ऐसे तत्व नहीं है जो किसी जीव को हम सुख दें, प्रदान करें। सुख देने वाले तो हमारी आराध्य श्री राधा रानी है, परमात्मा है, विधाता है, वही सभी का पालन पोषण करते हैं। हम एक जरिया बन सकते हैं कि उन तक कुछ सुविधा पहुँच, जरिया के रूप में वहाँ तक वो सुविधा पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आज का ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो केवल इसी उद्देश्य से बना रहे हैं कि देखो, व्यस्तता सभी में है, व्यस्त सभी हैं, किसी पे इतना समय नहीं है कि वो कुछ समय निकाले कहीं पे इधर उधर बिगाड़ दे। व्यस्त एक चींटी भी है, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि व्यस्तता क्या है, व्यस्तता मायने वो रखता है कि आप किस लिए व्यस्त हैं। लेकिन आप उसमें से अगर हम कुछ समय निकाल कर साधु महात्माओं को या फिर जीवों को कुछ सुख प्रदान कर पाए, कोई ऐसा कार्य कर पाए जिससे कि उनको कुछ ऐसी अनुभूति हो जिससे कि उनका कार्य सहज हो रहा हो, तो वो अवश्य करना चाहिए। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि समाज में एक ऐसा संदेश पहुंच पाए कि लोग ये कार्य करिए। एक तो साथियों, हॉस्पिटल हम यहाँ बरसाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर एक्सरे की सुविधा है, तो हम बाबा का एक्सरे तो वहीं पर कराएंगे और बाकी आगे की जो प्रक्रिया होगी, जैसे भी होगा, वो हम आगे फिर जैसी भी स्थिति रहेगी आपको अवगत कराते रहेंगे। और आगे हरि की इच्छा है, जैसा होगा वैसा हम करते चलेंगे। श्री राधे। आइए साथियों, जैसा कि हमने हम कल शाम को आए थे बाबा के पास, बाबा यहाँ पे सूरदास बाबा हैं, उनको समस्या है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। हाँ बाबा, कैसे दर्द मारे रे? आ जाओ आ जाओ, अब दुख को हट जाए, आ जाओ आ जाओ। चलो बाबा, सीधे चल रहे हैं हॉस्पिटल, है ना? चलो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं बाबा अभी, तो पहले वहाँ पे एक्सरे कराएंगे। हाँ, तो फिर वहाँ से दवाई ववाई लेके फिर आप यहीं पे उतार जाएंगे हम। लो चप्पल ये रही बाबा। जो है उसे देखा जाएगा, डंडा ले। रिक्शा में आराम से बैठ चलेंगे बाबा। आ जाओ, चलने में परेशानी आ रही है? चलने ना पा रही हूँ, चलने फिरने से। हाँ, दर्द मले को चलने फिरने से। हाँ,
हाँ तो जो आप गिर गए ना तो बातें कुछ चोट आ गई है अंदर ऊपर ऊपर पैर रखने पे। पैर रुको हाँ ऐसे अब चढ़ो यहाँ पे ऊपर आराम से चलिए भैया तो साथियों बाबा को हमने यहाँ पे धूप में विश्राम करा दिया है क्योंकि अंदर ना बहुत ठंड का समय है ना तो अंदर थोड़ा ठंडा माहौल था तो हमने बाबा को यहाँ पे कुर्सी डाल के धूप में बैठा दिया। बिजली की थोड़ी समस्या चल रही है वैसे लगे हुए हैं कर्मी अपने सुधारने में तो जैसे ही बिजली ठीक हो जाएगी तो फिर हम बाबा का एक्सरे करा के बाबा को पुनः कुटिया पे लेके जाएंगे। हाँ बाबा कैसे आ रही है लाइट वो ठीक कर रहे हैं जनरेटर। अच्छा हाँ तो जनरेटर ठीक हो जाएगा तो एक्स्ट्रा करा देंगे साथ में। अच्छा मैडम एक्स्ट्रा कराना बाबा को पीछे में बैटरी का इशू आ रहा है। पता नहीं अब ये परेशान हो रहे हैं अब हम ये यहाँ पे रहते हैं बाबा तो अब बैठे हुए हैं अब यहाँ पे भी ये परेशानी हो रहे हैं। आप लेटा दीजिए अंदर आराम से। नहीं अंदर धूप थी तो इसलिए मेरे में वहाँ से कुर्सी उठा लाया तो यहाँ बैठा दिए पर अभी भी कम से कम 2 घंटा हो गया मैं यहाँ पे बैठे बैठे अभी है। आज सुबह 9:30 बजे लाइट चली गई थी। जी मतलब पूरे कैंपस में ही लाइट नहीं है वो दिक्कत है। लेकिन हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं नहीं आपकी कोई आपकी तरफ से हमें कोई इशू नहीं लेकिन ये जो असुविधाएं जो लोगों के लिए है ये तो पर्सनली क्योंकि हाँ हाँ वही एड्रेस किया हुआ थोड़ा अगर ये जल्दी हो जाए तो और उनसे उनको बोल दो। कोशिश करती हूँ मैं जेई सर से बात करती हूँ। हाँ मैडम ठीक ठीक है मैडम जरूर करा देंगे प्लीज़ राधे राधे। तो अभी बाबा को कुछ प्रसाद ग्रहण ग्रहण कराने के बाद अब यहाँ पर लाइट आ चुकी है तो बाबा को अब एक्सरे कराने के लिए हम ले जा रहे हैं। बाबा चलो लाइट आ गई एक्सरे कराने चले। हाँ चलो बाबा यहाँ में आ जाओ मुड़ जाओ ये सीढ़ी है यहाँ पे पैर रख के यहाँ पे चढ़ना है यहाँ पे। नहीं नहीं रुको ऊपर उतरो मत। हाँ ये वाला खातर देन महाराज जी की या पोर्शन है। हाँ सीधे सीधे बाबा ऊपर मुँह ऐसे हो जाओ ऊपर की तरफ मुंह करना है। हाँ उठाओ उठाओ ना ना ये उठाओ बाबा रक्षा में ला लेंगे ना रक्षा में बैठा कर कुटिया पे चलेंगे कुटिया पे चलेंगे। हाँ रात में हाँ संजय रात में मैं उठा जाऊंगा। अच्छा धूप ही ना ठग रहा है। हाँ हाँ धूप तो बहुत जरूरी ठंड है ना थोड़ी। अब बाबा हॉस्पिटल से आ गए हैं ना है। तो हाथ पाथ धो लेंगे फिर कुछ पा लेना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ आ जाओ कैसे सेवा करना चाहिए बाबा जी की कोई है नहीं। हाँ बीमारी में बाबा की सेवा करने के लिए देखो हम हैं बाबा आप चिंता मत करो। अच्छा, आ जाओ अच्छा आओ अंदर आओ हाथ पकड़ो मेरा। आ जाओ आ तुम्हें अरे बाबा की खटिया निकाल रहे हैं बाबा की इसमें से कुटिया में से बाबा थोड़ी देर धूप में आराम कर लेंगे खटिया। अरे भैया ये तो बंदर के लिए चावल भात चावल भात भात सब्जी सब्जी चावल और सब्जी है। ठीक है बाबा मैं वो बनवा के ला रहा हूँ। ठीक है तब तक के लिए आप यहीं पे आराम करो। तभी अभी की जानी की है। ठीक है क्या
ढक्कन दे रख। ओरे भाई रे राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे। ले बाबा हाथ दो। राधा कब करेगो बाबा? सेब सेब तो बंदर लेके बग गए। संतरा ले आए, संतरा खा लो। आप संतरा कह रहे हैं ना? हाँ ले आयो। हाँ ले आए। बंदर बहुत जोरते चल करे हैं। हाँ बंदर सेब लाए, सेब सेब ना बंदर लेके भाग गया। यहाँ पर रखे ना, लो आप संतरा खाओ। अरे तुम यहाँ बैठे रहो। हाँ मैं यहीं पे ही। छील के दो मैं। अरे ऐसा ही छील के दे तो ठीक है। ठीक है ऐसा ही खोल लाओ, मैं छील दूँ। रुको लो, ये तोड़ तोड़ के आप खाओ। रुको रुको, एक एक करके खा लो, फाँक करके। शाम की दवाई इतना आराम ना पड़ो, है ना? पर आप जो दवाई लाए ना इतना आराम पड़ जाएगा वहाँ पे। डॉक्टर ने बोल दिया एकदम ठीक हो जाओगे 4-5 दिन में। राधे राधे। बाबा भजन कैसे करें आप? भजन कैसे करें? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे डोलते डोलते या फिर बैठ के? ना बैठ के। बैठ के हमारे कोई सारी वो मैं क्या क्या है अगर उसको फेंक दे तो उसको धो दो। फेंक दो? क्या क्या है? नहीं देख रहे वो जंगला में है, इधर है इधर है जंगला। चलो मैं देखूँ बाबा। 4 दवाइयाँ 4 में ले लो। उसके पास दवाई दिए तो दवाई वो खिला दे सकता है। अच्छा एक और होगी। हाँ ये भी है, ये लो पानी पी लो। कौन दिन ठीक होगा? 5 दिन में ठीक हो जाओगे। अच्छा लो ये आ करो, मुंह खोलो। एक वो है सिरप, पी लो पानी पी लो। लिया तो ला लिया। रुको रुको मैं दे रहा हूँ। अरे रास्ता फास्ता गिरी गिरी खाए ना जाए। नहीं 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 दवाई ना गिरी। अच्छा पकड़ो हाथ करो। एक दवाई और रह गई अभी हाथ में। पी लो पानी पी लो।